Welcome back, friends. This is Aditya Dev from Dev's Institute of Food and Technology. So मैंने जैसे बताया था, this is my first experiment. पनीर जो चीज़ होती है वो मोर और लेस सब वेजिटेरियन लोगों को पसंद होती है, एंड लोगों को ऐसे लगता है कि पनीर बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई बैक टू डिफर. मैं जब भी अकेला होता हूँ, अकेला ट्रैवल करता हूँ, अकेला कुक करना चाहता हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि एटलीस्ट वंस अ वीक मैं पनीर खुद बनाऊँ. एंड पनीर बनाना इतनी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. आई प्रेफर पनीर, प्रेफर होममेड पनीर ओवर परचेस्ड पनीर. पनीर लोगों का और एक का मिसकंसेप्शन है कि पनीर इज़ फैटी, विच इज़ रॉन्ग. पनीर इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल, विच वॉज टोल्ड टू मी बाय एन डायबेटोलॉजिस्ट व्हेन आई हैड विजिटेड देम फॉर माई मदर अ फ्यू इयर्स बैक. यू कैन मेक पनीर आउट ऑफ फुल क्रीम मिल्क, यू कैन मेक पनीर आउट ऑफ होल टोन मिल्क, बेस्ड ऑन आपको किस क्वालिटी का पनीर, किस तरह का पनीर चाहिए. टोन मिल्क का डेफिनेटली विल बी मोर हेल्थियर देन फुल क्रीम, बट फुल क्रीम मिल्क का पनीर इज मोर टेस्टियर देन होल टोन मिल्क. यहाँ तक कि मैंने तो डबल टोन मिल्क, दिल्ली साइड में एक पर्टिकुलर ब्रांड का दूध डबल टोन मिलता है, उसका भी मैंने पनीर बनाया हुआ, एंड इट टेस्ट रियली गुड. हैविंग सेड दैट, गेटिंग इन टू द एक्चुअल रेसिपी, सो क्या क्या लगेगा आपको पनीर बनाने में. यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है, एंड आई हैव टेकन 1.5 नींबूस. सो कॉन्सेंट्रेशन, द रिक्वायरमेंट इज अबाउट 1 to 1.5 नींबू पर 1 लीटर. यहाँ पे मैंने 1.5 नींबू रखा हुआ है, बैकअप के लिए मेरे पास और नींबू है. टू आफ्टर पनीर इज प्रिपेयर्ड, यू नीड ऑल्सो नीड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सो हियर इज माई सॉल्ट, आई टेल यू वेन टू यूज इट एंड हाउ टू बेसिकली स्ट्रेन द पनीर. सो पनीर मतलब क्या होता है कि आप दूध को फाड़ते हो बाय एडिंग सिट्रिक एसिड, एंड देन यू एक्चुअली फिल्टर इट आउट. फिल्टरिंग के लिए मैंने ये एक प्लास्टिक का छन्नी रखी हुई है, उसके ऊपर मैंने एक क्लीन हैंकरचीफ रखा हुआ है. मैं इसमें सब डालूंगा एंड दैट विल बी फिल्टर्ड आउट, एंड आफ्टर दैट आई विल रैप इट अप एंड कीप इट ऑन दिस टॉप विथ द वेट ऑन टॉप ऑफ इट. जैसे बनेगा वैसे मैं आपको बताता हूँ. अभी आप जैसे देख रहे हो कि पनीर दूध उबलने को आ रहा है, थोड़ा सा हिलाना पड़ता है. दिस टेक्स अराउंड, आई मीन आफ्टर प्लेसिंग इट ऑन द गैस टॉप इट टेक्स अबाउट 5 to 10 minutes डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ योर फ्लेम. तो मैंने ऑलमोस्ट मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में रखा हुआ है, एंड उस हिसाब से मेरे को 6-7 मिनट में ऑलमोस्ट ये हो गया है. आई एम वेटिंग फॉर द मिल्क टू एक्चुअली राइस. ये होने के बाद मैं उसमें नींबू निचोड़ने वाला हूँ. सो होल्ड ऑन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. आई होप आप लोगों को पनीर पसंद आता है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वी हैव नेवर परचेस्ड पनीर आउट ऑफ मार्केट फॉर पास्ट मेनी ईयर्स. मेरी वाइफ, वो यूज टू बी फॉन्ड ऑफ पनीर बिफोर मैरिज, शी डिड नॉट नो दैट मेकिंग पनीर वॉज सच अ ईजी थिंग एट होम, एंड दिस इज बेसिकली अ रेसिपी दैट माई मॉम फॉलोज क्वाइट अ बिट, एंड नाउ माई वाइफ फॉलोज, एंड आई फॉलो व्हेन आई एम अलोन ऑफकोर्स. एंड द क्रेडिट फॉर दिस रेसिपी गोज टू वन ऑफ माई मॉम्स फ्रेंड हु पास्ड ऑन दिस रेसिपी फ्यू ईयर्स बैक. सो अगेन दूध उबल रहा है. सो अभी मैं देखो ये उबल रहा है, तो मैं अभी इसमें नींबू निचोड़ना शुरू करूँगा. थोड़ा फ्लेम कम कर देना. ऑफकोर्स आप मेरे ये जो नींबू है वो सीडलेस है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ. आप स्क्वीज़र यूज़ करें विदाउट एनी दिस, क्योंकि नहीं तो सीड्स का कड़वापन आ जाता है पनीर में, तो वो अच्छा नहीं लगता. आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ द स्क्वीज़र, लेमन स्क्वीज़र. आप जैसे देख रहे हो कि जब ये स्क्वीज़ कर रहे हो तो आप हिलाइए, एंड यू कैन सी दैट द मिल्क इज एक्चुअली सेपरेटिंग आउट. तो आप
आप स्ट्रेट अवे वन नींबू तो निचोड़ ही दीजिए, एंड लास्ट हाफ नींबू है यू कीप इट एज अ बैकअप, एंड थोड़ा थोड़ा जिस हिसाब से आपको लगता है ज़रूरत पड़ेगी आप उसको ऐड कीजिए. सो दिस इज़ माई लास्ट हाफ नींबू. एक मैंने ऑलरेडी एक दिया है, अभी तक पूरी तरह मेरा हुआ नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करके हिला के देखिए कि वेदर. एंड व्हेन आई से स्प्लिट, नीचे प्रॉपर पानी का आपको लेयर दिखेगा. तो जब तक वो नहीं हो जाता आपने थोड़ा ये करना है. वाड़ो कैन सी इट इज स्प्लिटिंग एंड इन अ फ्यू मिनट्स आई गेस कम ये देखिए प्रॉपर बकायदा पानी जैसा फील आने लगा है, थोड़े से ड्रॉप्स एंड यू आर ऑलमोस्ट डन. एंड टू ऐड टेस्ट टू दिस अ पिंच ऑफ सॉल्ट व्हाइल इट इज स्टिल बॉइलिंग. अबाउट हाफ टी स्पून जस्ट टू ऐड इट ऐड फ्लेवर टू इट. सो ये स्प्लिट हो चुका है, पनीर बन चुका है ना. आपको पनीर अगर भुर्जी की तरह खाना है आपको सिर्फ इसको छान लेना है एंड यू कैन यूज़ इट फॉर पनीर भुर्जी. आपको अगर क्यूब्स करने हैं तो एज आई सेड आपको छान लेना पड़ेगा, एंड उसके लिए ये मैंने प्रिपेयर किया था. धीरे से आपको रुमाल कहीं से अंदर नहीं आना चाहिए, मेक श्योर दैट द हैंकरचीफ इज क्लीन. कोई भी कॉटन का हैंकरचीफ इज सफिशिएंट फॉर दिस एक्टिविटी. बचा कुछ जो है वो उसमें डाल दीजिए. And this is your paneer. As I said, quite easy recipe. पानी निकाल लीजिए उसमें से. Once वो dry हो जाए and मेक श्योर दैट यू डू नॉट गेट लेट इट गेट टू ड्राई, बिकॉज उसको अभी हम लोगों को प्रेस करना है. तो प्रेस करने के लिए आप रुमाल बांध लीजिए मतलब यू जस्ट कीप इट लाइक दिस. लिटिल बिट वाटर आप निकाल लो और देन आप मैंने ये थाली ली हुई है. थाली का पर्पज है कि इसमें वो पनीर फ्लैट हो पाए, तो आई कैन बेसिकली स्प्रेड इट अक्रॉस उसके ऊपर. और एंड टू दिस इज इस पर थोड़ा वजन रखना पड़ेगा हम लोगों को. टू डू दैट मैंने एक और थाली ली है विथ वेट ऑन टॉप ऑफ इट. इस पर जितना आप वजन ज़्यादा रखोगे उतना अच्छी तरह से वो प्रेस हो जाएगा. वजन आप इवनली स्प्रेड करोगे तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा. सो गिव इट अ फ्यू मिनट्स, आई विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. सो ये पनीर मेरा रेडी है. मैंने वो वेट पे तकरीबन 15 मिनट रखा था. तो मैंने आफ्टर अनरैपिंग इट फ्रॉम माई हैंकरचीफ दिस इज द पनीर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड दैट हैज कम आउट. As I said, this paneer is basically a slab. आप इसको जैसा चाहे वैसे कर काट सकते हैं. As cubes, आप उसको ग्रेट करके as पनीर भुर्जी कर सकते हो. You won't believe, जैसे एक भुर्जी होती है वैसे पनीर भुर्जी भी बहुत टेस्टी होती है. I at times also prefer eating it without
विदाउट एनी थिंग एज अ रॉ पनीर, बस आते जाते खाने के लिए. एंड पनीर सैंडविच, पनीर के सैंडविचेस आर सो ग्रेट. आप कुछ भी कर सकते हो, कॉर्न पनीर सैंडविच, स्पिनच कॉर्न पनीर सैंडविच, स्पिनच कॉर्न पनीर चीज सैंडविच. सो बेस्ड ऑन आपका ये, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो चीज़ मत डालिए, अगर हेल्दी लीजर खाना खाना चाहते हो तो आप चीज़ डाल के कीजिए. ग्रिल सैंडविचेस आर ग्रेट. एंड इन कमिंग डेज आई एम प्रिटी श्योर आई विल बी पोस्टिंग सम वीडियोज अराउंड ग्रिल सैंडविचेस ऑल्सो यूजिंग पनीर. थैंक यू वेरी मच. आदित्य देव साइनिंग ऑफ. एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो. एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग रेसिपीज. Thank you.